अरे थोड़ा दूर हो रखी है, इधर उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, बहुत अच्छे दिख रहे हो यार। दादा क्या कर रहे हो आप? कहाँ आते जा रहे हो? अरे चला गया यार, लाउडनी था ना। हाँ आप क्या कर रहे हो? क्या किया हम कर रहे हैं? दूर दूर रखे करो। यहाँ क्या कर रहे हो? राखी जी यहाँ पे, यहाँ पे राखी जी कैसे अभी मम्मी की तबीयत? राखी जी मम्मी जी आप थोड़ा घूम जाइए यहाँ पे, देखिए हाँ मम्मी का सुबह एक मिनट रुके जरा जाना, मम्मी अच्छी है ना अभी? चलो रो ली, बोलिए मम्मी की तबीयत अभी बहुत अच्छी है। और मुझे तो जब मैं बिग बॉस से बाहर निकली, मम्मी की कंडीशन देखी, मम्मी के शरीर में पूरे कैंसर के जंतु बोलते ना वो हो गए थे, तो मेरे तो हाथ पैर एकदम ऐसा लगा था कि अब मैं अपनी माँ को नहीं देख पाऊँगी। और मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या होगा करके, मेरा दिमाग बिग बॉस से बाहर निकल में मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं क्या करूँ, खुद को संभालूँ, माँ को संभालूँ, क्या करूँ? मैं अंदर हाउस में थी तो मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि कैंसर है, और मम्मी कीमोथेरेपी शुरू कर दी है। कीमोथेरेपी से जो अंदर कैंसर के जो कीटाणु होते हैं, जो जम्स होते हैं, वो मर जाते हैं। और मम्मी बहुत ही ज़्यादा शॉक में चली गई, और मतलब बहुत ज़्यादा अंदर और फैलने लग गया, क्योंकि जब कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन था एक डेढ़ साल से, उससे पहले डेढ़ साल पहले मैंने बहुत बड़ा ऑपरेशन मम्मी का कैंसर का कराया था। एक गांठ थी, छोटी सी सिस्ट थी, वो निकाल दी थी। लेकिन लॉकडाउन में पता नहीं घर में रहने रही और वो एक डेढ़ साल में और फैल गया। और मैं मतलब मेरे मुझे ऐसा लगा कि बस अब मुझे बगैर माँ के मैं कैसे जीऊँगी। कीमोथेरेपी कराई, मैं टोटली बैंक्रप्ट हो गई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉलिसी है वो मेरे सीए ने मेरे से गलत सिग्नेचर करके वो मेरे सारे पैसे निकाल लिए उन्होंने। मैंने मेरी माँ की सर्जरी के लिए रखे थे और वो सीए एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक से, जीतू भाई नाम था उनका। मेरे पास पैसा नहीं था, जैसे तैसे भी मैंने क्या कहते उसे कीमोथेरेपी कराया, और मैं लाचार हो गई। मैं माँ को बोला मम्मी कहाँ से पैसे लो, क्या होगा? मेरे पास जेवर भी नहीं था कि मैं बेचती, और कीमोथेरेपी तो जैसे तैसे छोटा मोटा जेवर बेच के कराया मैंने। लेकिन हम जहाँ जाओ डॉक्टर बहुत बड़ा अमाउंट बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट बोल रहे थे। मैं क्या करूँ? फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, परमेश्वर, प्रभु, जीसस, प्रभु क्या करूँ? फिर मैंने नदीम भाई को बोला, सलमान भाई जी के मैनेजर हैं, डॉक्टर चोपड़ा जो है सलमान भाई के बीइंग ह्यूमन के जो डॉक्टर है, डॉक्टर चोपड़ा। फिर उन्होंने सलमान भाई से बात करी, और सलमान भाई ने बीइंग ह्यूमन जो है वो लोग रेडी हो गए मेरी माँ का ऑपरेशन करने के लिए। इतना प्रेयर किया मैंने तो दीवार में अपना सर भी बहुत पटका कि हे प्रभु अभी ऐसे हालात हैं मेरे, मैं क्या करूँ प्रभु? डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट बोल रहे थे ये कैंसर का, कम से कम 15-20 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा करके। लेकिन अभी सारी जिम्मेदारी सलमान भाई ने, बीइंग ह्यूमन ने, सोहेल भाई ने उठा ली। आज सुबह ही मेरी माँ का ऑपरेशन हो गया, और अगर आप लोगों ने देखा है मेरे इंस्टाग्राम पे, इतना बड़ा डॉक्टर ने ट्यूमर निकाला। डॉक्टर ने बोला कि अगर ये जल्दी नहीं आती तो मम्मी नहीं बच सकती थी। तो मैं तो बस सलमान भाई, मैं बस ये दुखती हूँ सलमान भाई कि आपने मेरी माँ को बचा लिया, मेरी माँ को बचा लिया। सलमान भाई आपने मेरी माँ को बचा लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, मेरी माँ चाहिए, मुझे माँ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सोहेल भाई, थैंक यू सलमान भाई, थैंक यू सो मच, आपने बचा लिया मेरी माँ को। अब मेरी माँ को एक नया जीवन मिला, और मम्मी के शरीर में से सारा कैंसर गायब हो गया, क्योंकि वो पूरा निकाल के फेंक दिया जो था वो डॉक्टर ने। सलमान भाई ने इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मुझे दिया, संजय शर्मा जी,
जो कैंसर के स्पेशलिस्ट है, कैंसर के स्पेशलिस्ट है, उन्होंने मेरी माँ को ठीक कर दिया। मैं दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि हे परमेश्वर, आपने सलमान जी जैसा एंजल मसीहा हमारी जिंदगी में भेजा, सोहिल भाई जैसा, मेरी सारी उम्र सलमान जी को लग जाए। मैं इस उम्र का क्या करूँगी, मेरी सारी आशीषें, सारा पुण्य, सारी उम्र मेरी सलमान जी को, सोहिल भाई को दे दो, जिन्होंने मेरी माँ को बचाया। मैं लाचार हो गई थी, कैसे कोरोना में माँ को मैं कैसे बचाऊंगी, क्या होगा करके, लेकिन अभी बच गई है मेरी माँ। सलमान भाई से बात हुई क्या? सलमान भाई, सोहिल भाई, सलमान जी ने रात को डॉक्टर को रात तक फोन किया सलमान जी ने कि राखी, क्योंकि मेरी माँ का केस जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट था, यू नो, कैंसर का। रात तक डॉक्टर ने बोला कि रात को भी सलमान जी का फ़ोन आया था, दो तीन दिन से फ़ोन जा रहा है इमिडिएटली, क्योंकि जब आपको कीमोथेरेपी करते हैं ना तो इमिडिएटली 10 दिन के अंदर ऑपरेशन होना चाहिए, वरना वो जो कैंसर के वो जो रहते हैं ना वो वापस शरीर में आ जाते हैं, तो इसलिए फटाफट ऑपरेशन किया मम्मी का। मेरी माँ बच गई, मेरी माँ बच गई, सलमान जी मेरी माँ बच गई, सलमान जी मेरी माँ बच गई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं भी भाग के वहाँ से आई, क्योंकि कोरोना फ्री हॉस्पिटल है वो, वहाँ पे डॉक्टर जब तक सर्टिफिकेट नहीं होता आपका कोरोना टेस्ट का, अंदर किसी को आने नहीं देते, बिकॉज बहुत बड़ी कैंसर की सर्जरी है ना, तो मेरे किसी खानदान को नहीं आने दिया सिवा मेरे। वो डिस्चार्ज हो गए मम्मी? नहीं नहीं नहीं, अभी तो होश में आई, अभी ऑपरेशन थिएटर से मम्मी को रूम में लेकर गए, अभी मम्मी बेहोश और नर्स और डॉक्टरों के बीच में है, तो वो बात नहीं कर सकते अभी, आज पूरा दिन क्या बोलते ऑब्जर्वेशन होता है उसमें रखते हैं, तो मुझे डॉक्टर ने बोला अभी आप घर पे जाओ, ज़्यादा इधर बैठ नहीं सकते, आप कल आओ करके। मेरा बेटी का तो मुझे नहीं पता है, बट मैं इतना कहूँगी, हे ईश्वर, मेरे इंडिया में हर घर घर में सलमान खान और सोहिल भाई, सोहिल खान जैसे बेटे हो, और मैं धन्य कहती हूँ उनके माँ बाप को जो ऐसे बेटे, ऐसे बेटे पैदा किए। सबकी माँ के दुख दूर हो, जिनकी भी माँ को भगवान न करे कोई कैंसर या ऐसी कोई बीमारी है वो निकल जाए, मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि एक माँ को खोने का डर क्या होता है मैं जानती हूँ, एक माँ को खोने का डर मैं अकेली उस दुनिया में, मेरी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे कोई नहीं आने दे रहा था, सिर्फ मेरी माँ ने मेरी मदद करी, एक माँ को खोने का डर क्या है मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। थैंक यू सो मच। मम्मी ने इतना, मम्मी ना खाना खा पा रही थी, मम्मी ना खाना खा पा रही थी, सिर्फ कुछ भी खाती थी वॉमिट हो जाता था, और न चल पा रही थी, न कुछ हो पा रहा था, मैं तो एकदम डर गई थी कि क्या होगा कर, लेकिन अब मम्मी ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू, आपके साथ है। थैंक यू छोटू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।